रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, यदि टैक्सपेयर के द्वारा 50 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो उसे टीडीएस काटना होता है सेलर का, और उसके बाद उसे टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है। इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आप ये टीडीएस सर्टिफिकेट किस प्रकार डाउनलोड करके इशू कर सकते हैं सेलर को। तो इस केस में सबसे पहले बायर को tdscpc.gov.in वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर रजिस्टर करना है एज ए न्यूज़ यूज़र और यहाँ पे एज ए टैक्स पेयर करके रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो एक्टिवेशन लिंक भेजे जाएंगे ईमेल पे और मोबाइल पे, जो कि आप यहाँ पे एंटर करेंगे रजिस्ट्रेशन करते हुए। तो उसके बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप एज ए टैक्स पेयर पे क्लिक करके यहाँ पे यूज़र आईडी में अपना पैन नंबर एंटर करेंगे और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए सेट किया है, और यहाँ वेरिफिकेशन कोड एंटर करके लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड की टाइम में जाएंगे और यहाँ फ़ोन नंबर 16B पे क्लिक करेंगे फॉर बायर, और उसके बाद ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर्म टाइप सेलेक्ट करना है, यानी कि 26 QB, और असेसमेंट ये सिलेक्ट करना है जिसके लिए कि आपने सेलर का TDS काटा था, और जो आपने 26 QB फॉर्म फाइल किया है उसका जो अक्नोलिजमेंट नंबर जनरेट हुआ था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और सेलर का पैन नंबर यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी डिटेल फ़ोन नंबर 16B पे प्रिंट होंगी, यानी कि व्यक्ति का नाम जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा TDS डिडक्ट करने के लिए, फादर्स नेम, ये जो फादर नेम है वो पैन डेटाबेस से यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है, डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन यानी कि बायर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी और प्लेस यहाँ पे आ रहा है। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल सेक्शन में जाके ये डिटेल अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट को सबमिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपकी रिक्वेस्ट फ़ोन नंबर 16B को डाउनलोड करने के लिए सक्सेसफुली सबमिट कर दी गई है। यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर भी आएगा, तो ये फ़ोन नंबर 16B चेक करने के लिए आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है और अब रिक्वेस्टेड डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर एंटर करके व्यू कर सकते हैं, डेट एंटर करके यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, या फिर व्यू ऑल पे प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो आपने रिक्वेस्ट डाली थी उसका जो स्टेटस आ रहा है वो सबमिटेड आ रहा है, यानी कि अभी तक फ़ोन नंबर 16B अवेलेबल नहीं हुआ है। तो थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे फिर से चेक करना है, तो यहाँ पे जो स्टेटस है वो अवेलेबल आ जाएगा, उसके बाद आप फ़ोन नंबर 16B को डाउनलोड कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे जब दोबारा चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो स्टेटस है वो अवेलेबल आ गया है। आपको यहाँ फर्स्ट रो जो है यहाँ पे क्लिक करना है, ये हाईलाइट हो जाएगी ब्लू में। उसके बाद यहाँ पे HTTP डाउनलोड बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको ये जिप फाइल में जो फॉर्म 16B है वो अवेलेबल हो जाएगा, तो आप फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे ये सेव करेंगे और इसे सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसके बाद के आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। यहाँ पे जो बायर की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, जैसे कि 21 जनवरी 1957 डेट ऑफ बर्थ है, तो 21011957 यानी कि DDMMYYYY फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PDF फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट उपलब्ध हो गया है। जब आप TDS सर्टिफिकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है TDS काटने के लिए यानी कि बायर, उसका नेम यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे उसे साइन करके यह फॉर्म सेलर को इशू करना है, यानी कि TDS सर्टिफिकेट इशू करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।